मंत्रों का जाप होगा यहाँ पे। क्या हो गया पायल? सारी मुझे पायल को बतानी पड़ती है। बकवास मत कर, इसको मेरे पे भरोसा नहीं है। मुझे तेरे पे भरोसा वैसे भी नहीं है। और मुझे भी नहीं है। अगर तेरी जगह मैं हूँ ना तो मैं ऐसा काम कभी ना करूँ। तो गाइस यही चीज है ना पायल की जो मुझे नहीं पसंद। बोलना भी नहीं आता इसको, तो दिमाग होना चाहिए। मैं बिना दिमाग के ठीक हूँ। पायल के लिए भी लिया क्योंकि लड़ाई करने लग जाएगी मेरे से। मुझे यही चाहिए, मुझे लग दे वापस। चल तो गाइस इतना इरिटेट करती है ना मुझे, समझ नहीं आता ये कब सुधरेगी, क्योंकि सारा जितना भी ठेका है ना पायल ने लिया हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी बज चुके हैं 7:50। चीकू निकल चुका है स्कूल के लिए और मैं उठ चुकी थी क्योंकि चीकू को रेडी करना था, उसका लंच वगैरह करना था। गोलू भी उठ चुकी थी क्योंकि जो जैद है वो उठ गया था, और वो जब उठता है तो वो रोता है फीड के लिए, तो उसे फीड वगैरह करवा दिया है और सुला दिया है। तूबा भी जगी हुई है, बस तूबा को सुलाती हूँ और बस मेरा जो है सुबह का काम हो गया। तो रात को जो है बारिश आई थी, बारिश आने की वजह से सारे कपड़े जो है अंदर ले लिए थे। अभी ये जो कपड़े हैं आधे तो हैंगर पे डाल देते हैं बच्चों के, अभी जो अगर सूख गए होंगे ना तो ये कपड़े उठा लेती हूँ, और जो बाकी कपड़े हैं जो हल्के सीले हैं वो यहाँ डाल देती हूँ, या फिर बाहर का मौसम देखती हूँ, अगर मौसम ठीक है तो बाहर डाल देती हूँ। तो बाहर का जो मौसम है आप मेरे बाल उड़ते हुए देख रहे होगे, तो हवा चल रही है और मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बारिश आके रुक गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है बारिश फिर से आएगी क्योंकि काले बादल छा रखे हैं। तो कपड़े जो हैं बाहर ना सुखा करके वहां से कपड़े उतार के उस पे सुखा देती हूँ, अदरवाइज सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे, फिर से ड्रेन करने पड़ेंगे क्योंकि बारिश के पानी से ना बदबू जाती है कपड़ों में। और आज ना बहुत सारी तैयारियां करनी है क्योंकि कल से या परसों से हमारे घर में जो है 5 दिन का महामृत्युंजय पाठ शुरू होने वाला है बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन हमें करनी है क्योंकि 5 दिन लगातार मंत्रों का जाप होगा, यहाँ पे पूजा होगा, और भी एक चीज होगी जो पंडित जी ने बताई थी वो मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो चीकू के स्कूल में वो देखने वाला है वीआर मूवी, तो मूवी के लिए ना हमारे पास फॉर्म नहीं मिला था सुबह सुबह, तो अभी जस्ट मैम का कॉल आया है कि मैं दोबारा से फॉर्म भरवा दूंगी। वैसे आज फॉर्म की लास्ट डेट थी, आज भिजवा दूंगी, आप फॉर्म भर देना। और उसकी जो फीस थी वो भी बता दी, हमने फीस दी है कम, तो वो फीस भी उसे दोपहर में भिजवानी है स्कूल में। आज जो ये डाइनिंग टेबल यहाँ लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो पूजा है वो यहीं इसी एरिया में होनी है, तो यहाँ पे जो है 5 दिन यहाँ पे पूरा पूजा का सेटअप लगेगा और यहाँ पे जो है हम लोग बैठेंगे। तो ये पूरा आज क्लीन कराना है, इसको अच्छे से पूरा क्लीन करके यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, और बहुत सारा सामान लेके आना है, पंडित जी के लिए भी सामान लेके आना है जो मतलब पूजा के बाद पंडित जी को देना है वो भी लेके आना है, धोती वगैरह। और साथ ही साथ ना मुझे 5 पंडितों के साथ सब लोगों का जो है खाना भी करना होगा, उसकी भी प्रिपरेशन सारी आज ही करनी है। और ये जो सारा सामान आया था ना, जिसमें माइक्रोवेव आया था, आरओ आया था, मिक्सी आई थी, ये सब भी आज सेट करना है क्योंकि कल लाके यहीं रख दिया था। आज आरओ वाले आएंगे, वो फिटिंग करेंगे इसकी, अंडर सिंक फिटिंग करेंगे। जो पहले वाला है वो निकाल दूंगी, किसी को चाहिए होगा तो दे दूंगी, अदरवाइज वो तो हमारे लिए अब यूजलेस है क्योंकि उसे हमने ठीक कराया था पर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। उसने बोला था कि चल जाएगा, पर वो है ना कि बच्चे हैं घर में और हम लोग पानी अगर खराब पियेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने चेंज ही कर दिया है। तो गाइस अभी इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर, इतनी ज्यादा गर्मी है, चीकू भी ट्यूशन गया तो मैं अम्ब्रेला साथ में लेके दी है, और मैं भी अपने साथ अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ। ये अम्ब्रेला वही जो हमने हरिद्वार में ली थी, वहां तो कुछ काम नहीं आई, पर यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है तो यहाँ काम आ जाएगी। तो मैं और गोलू अभी निकल रहे हैं क्योंकि हमें जो हमारे घर में पूजा होने वाली है, महामृत्युंजय पाठ होने वाला है, उसके लिए वो थोड़ा सामान लेके आना है पंडित जी को देने वाला। और साथ ही साथ ना घर में बिस्किट नमकीन वगैरह सब कुछ खत्म है, नमक चाय पत्ती वगैरह वो सब भी लेके आना है क्योंकि देखो ग्रोसरी का सारा सामान ना हम ही देखना पड़ता है। अभी जस्ट तीनों बच्चों को सुलाया, अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और 4:30 तक हमें किसी भी हाल में घर पे आना है। एक बच्चा 1.5 घंटा 2 घंटे तक सोता है, उसके बाद वो उठ जाता है, तो फटाफट सारे काम खत्म करके घर पहुंचना है। तो लिफ्ट में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, पर यहाँ पर ना इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बट बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। एक ये वाला जो पोर्शन होता है ना, क्योंकि दोनों साइड खेत है, तो यहाँ पर ना लिफ्ट के पास ना बहुत अच्छी हवा चलती है। देखो हवा से मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। और ना हम लोगों को ना सारा मार्केट का सब कुछ फिनिश करके ना घर पर आना है। शाम को मुझे ना जैद को लेके जाना डॉक्टर के पास, उसकी ड्रेसिंग हुई क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप 5 बजे के बाद आना, 5 से 7 के बीच में, तो तब तक मैं घर आऊंगी ना तो ऑलमोस्ट 4:30-5 बज जाएंगे, तो बस जैद को रेडी करके फिर जाऊंगी हॉस्पिटल। और जैद ना 31 तारीख को एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, और 1 तारीख उसकी वैक्सीनेशन थी जो उसकी 4th मंथ की वैक्सीनेशन होने वाली थी, बट वो वैक्सीनेशन हो ही नहीं पाई क्योंकि वो एडमिट हो गया। तो मेरे को डॉक्टर से ना कंफर्म भी करना है कि डॉक्टर वो वैक्सीनेशन होगी नहीं होगी, और साथ ही साथ ना अयान और तूबा की वैक्सीनेशन भी है पायल कल की तारीख, क्योंकि मेरे को ना याद रहती है सब, मेरे ना मतलब मेरा वैसे मेमोरी लॉस रहती है और मुझे डेट्स ना सब याद रहती है, तो बच्चों की वैक्सीनेशन की जो डेट थी ना वो है कल की। तो बस ना DNY जाना है। क्या हो गया पायल? पूछ रही गाड़ी कहाँ खड़ी कर, थोड़ी सी पार्किंग की दिक्कत रहती है। सच में गाइस इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है आज, तो पूछो मत। अच्छा थोड़ी लगता है यहाँ तक जाना है सामने।
तो कहते छतरी लेके चलू रख दे। गर्मी हो रही है, एक काम करूंगी ना मैं तो ढक लूंगी। चल किससे ढकेगी? हाथ से अपने। ये ले रही किचन के लिए चाहिए थे ना। एक बात बताऊं, याद है हमने इनके लिए लिया था ये जुलाई सितंबर। हम ना चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कहीं पता ही नहीं लगता वो चीजें गाय। तो इतना प्यारा टावल लिया था वो, एक बार भी यूज नहीं हुआ, एज इट इज पड़ा हुआ बेड में। डार्क कलर लियो। हाँ ग्रीन। तो गाइस जितनी भी शॉपिंग है सारी मुझे पायल को बतानी पड़ती है, ऐसे कर वैसे कर डार्क कलर ले। अगर मैं ना बताऊँ ना सच में तो ये कुछ भी उठा ले कुछ सब भी। तो इसलिए मेरा आना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सबको पता है कि कौन किसको शॉपिंग कराता है। ठीक है यार बकवास मत कर पायल। हाँ। कोई आ गया ना तो क्या आने दे। यहाँ से दिख नहीं रही ना इनके लिए सॉक्स लेने। भाई दिख नहीं चाहिए ना। और ना पायल बताओ मैं क्या कह रही हूँ, सॉक्स इनको तब भी देंगे जब इनको जरूरत होगी, जब इनकी खत्म हो। ये लड़कियों वाली है शायद ना। अरे इनको क्या पता ले ली दिल बनी है। अच्छा इनको नहीं पता, हमें तो पता है। तो इस लड़की में ना इतना भी वो नहीं है, सेंस नहीं है कि दिल से इसने बताया कि लड़कियों वाली है। उस पे ऑलरेडी वुमेन लिखा हुआ था पायल। मैं होती ना मैं सारी मेंस ही निकालती। कह रही अच्छा ये तो मैंने देखा नहीं। मेरी जो नजर है ना ऐसी है ना कि चील की भी नजर नहीं होगी। मतलब मैं यहाँ से 10 किलोमीटर तक का बता सकती हूँ दूर की वहाँ पे कौन खड़ा है। इतनी पार की नजर है मेरी। अच्छा एक बात बता, ये सारी सॉक्स पे मैन लिखा है ना? ठीक है कभी चले वुमेन ले ले एक बार चेक कर लेती। मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मैंने ज्यादा हीरो ना मन इसको मेरे पे भरोसा नहीं है। मुझे तेरे पे भरोसा वैसे भी नहीं है। और मुझे भी नहीं है। अरे यार मेरे को एक बात यहाँ पे आके याद आती है सारी। क्या? वो कपड़ा लिया था हमने पोछा बनाने के लिए, वो कहाँ गया? वो भी नहीं मिल रहा घर पे। ले इतने सारे ले लिए मैंने। ये ले तो गाइस इतना कुछ लेती है तो टाइम पे कुछ नहीं मिलता हमारे घर में। पता नहीं कहाँ रखते हैं सामान दबाकर। टाइम पे ये वाली कम की कभी नहीं मिलती। मैं 4-5 ले लूंगी, हर जगह रख दूंगी कोनों कोनों में। अगर तेरी जगह मैं हूँ ना तो मैं ऐसा काम कभी ना करूँ। तो गाइस यही चीज है ना पायल की जो मुझे नहीं पसंद, कि इसका आइडिया सही नहीं लगता मुझे। अगर ये जगह जगह कंघी रख देगी ना तो सारी कंघी एक साथ घूम जाएगी। तो इसलिए एक कंघी रख एक जगह पे और जब कंघी घूम जाए तब निकालो, समझी? चार ले ले और 3 कंघी मेरे को दे दी, मैं छुपा के रख दूंगी ऐसी जगह पे। हम लोग चौड़ी वाली कंघी से करते हैं क्योंकि देखो मेरे बाल तो बचे नहीं है, छोटे मोटे बाल बचे ना। क्योंकि यार ये नीचे समंदर अकल नहीं है क्या? बोलना भी नहीं आता इसको। तो गाइस कंघी इनकी खुद गिराती है और नाम मेरे पे लगाती है। सच में इसको मैं रख देती हूँ जहाँ से निकाला है कंघी भाई। तो गाइस यहाँ पर ना मुझे चीकू के लिए क्रॉक्स पसंद आई है और मुझे ऐसा लग रहा है चीकू कुछ छोटी होगी। नहीं नहीं अब आधा पैर गया मेरा, ये टक रहा है काला काला। तूने फंसा ली ना पैर में, जब तूने फंसा ली तो चीकू को भी आ जाएगी। ठीक है ले ले। तो गाइस आजकल ना जैद को मैं मेडिसिन पिलाती हूँ तो मेरे को चम्मच बहुत ही क्यूट सा लगे, एक छोटा सा चम्मच यहाँ पर पहला चम्मच मैं ले रही हूँ। पायल देख खून कैसे लग रहा है। अच्छा है ना। ये क्या लिया तूने? बर्तन धोने के लिए सामान। ठीक है ये वो उनके किचन में ना मूसली उसे रखने के लिए डब्बे चाहिए थे वो ले लिए। यहाँ से ये वाली निकाली हो यार डब्बी। ये हाँ मेरे हाथ में आ रही। और कुछ? ये साथ वाली है तो मेरे भी आता दादी। ये नहीं बन रही ज्यादा। और कुछ? ग्रीन वाली निकाल। अच्छा एक ग्रीन एक ब्लू। ये बस नहीं आ रही हाथ, बस इतनी आई थी। मैं वो भी खा सकती हूँ, दिखाऊं? बताइए। हाँ करियो पकड़ से कूद कर तो मैं भी ले लूँ। चल अच्छा ये ले बिना कूदे ले लिया। दिखाइए लंच निकाल के दिखा कैसा है, खोल के दिखाइयो। अच्छा है ये लंच ना, हैवी भी है। ये ले ले चीकू के लिए। ये मत ले। हाँ जब ये तो डिस्प्ले वाला बॉक्स होता है ना, कभी किसी गिर गिर जाए। हम पैसे लगाए रहे तो पैक वाली चीज लेते हैं यार। देखो ना समझाऊ ना मैं, ये निकाल ले ना मैं। नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। दिमाग होना चाहिए तेरे में। दिमाग है ना बस तू ही ठीक है दिमाग वाला। मैं बिना दिमाग के ठीक हूँ। तुमने चीकू के लिए ये लिए? हाँ लंच रखने के लिए। तो ये देख तो ले लंच रखने के लिए लिए, इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। फिर भी पायल घर वहाँ जाके नहीं तुझे रखना तो आ नहीं रहा है, यही तो तेरे में कमी है। मेरे को आता था मैं तेरे को चेक कर रही थी। ठीक है ठीक है इसमें फ्रूट लंच भी आ जाएगा। तो गाइस जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना हमेशा अपने लिए एक बॉटल लेती हूँ। मुझे बॉटल पीना बहुत अच्छा लगता है तो अभी मैंने अपने लिए नहीं पायल के लिए भी लिया क्योंकि लड़ाई करने लग जाएगी मेरे से कि मेरी बॉटल। तो मैंने एक अपने लिए इसके लिए लिया 2 बॉटल। भगवान जी कसम देखो 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 ये काम के लिए 45-45 रुपए खराब कर। दो बॉटल लिए मैं और कुछ नहीं लूंगी। चल पक्का कह रही हूँ दो। और देख मैंने अपने लिए ली, मुझे यही चाहिए मेरे लग दे वापस। चल तेरे लिए भी लिए है। नहीं चाहिए मुझे। देख चाय छानो ना, चाय छानने से पहले ना इसी में कद्दूकस कर लो थोड़ी अदरक। लूं क्या? नहीं काम की चीज है ये बहुत। कोई काम की चीज़ है। तो भाई इतना इरिटेट करती है ना मुझे ये। मेरे कान में तेरी आवाज ऐसी आती है। पागल होगी क्या? बोलो कान खराब करेगी मेरे। ऐसे मेरा कान खराब होता है। सुन टेबल क्लॉथ नहीं लिया? टेबल क्लॉथ ले ले, जब व्हाइट कलर का लियो बड़ा लियो वो फट गया अपने। ठीक है। तो गाइस इतनी ज्यादा चलाक है ना ये लड़की मैं बता नहीं सकती। मैं ना वहाँ पर बस ना किचन देखने के लिए गई, जैसे मुझे आवाज आई ना कि ये दोनों, मैं भाग कर आई। दोनों बॉटल हटा दी ना? हटा दी थी मैंने। नहीं लगवा दी दोबारा। तो ये जैसा चीकू के साथ कर रही थी ना वैसा मेरे साथ कर रही थी, मेरे को आवाज आ गई। अगर मुझे आवाज नहीं आती ना दोनों की तो मुझे पता नहीं चलता ये मेरी बॉटल हटा रही है। हमें घर जाके जाते ही ढूंढती अपनी बॉटल, क्योंकि मेरे को ना बॉटल खरीदना बहुत पसंद है बहुत। मैं जब भी आती हूँ हमेशा बॉटल्स लेती हूँ अपने लिए। मत ले फिर ये कटिंग करवा देती हूँ। कैसे लगी बोलो? मैं काम करती हूँ।
स्नैपचैट की फिल्टर होते हैं ना, उनमें कभी कोई फिल्टर है ना, मैं देख लूंगी, अगर सूट करेगी ना मैं तो करवा लूंगी। पर चल फिर करवा के, तो गाइस फिलहाल हम लोग आए हैं मैक्स पे। मैक्स पे ना कुछ कुर्तियां लेनी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और ना पहले जो प्रेगनेंसी वाले कपड़े थे ना वो नहीं आ रहे हमें, क्योंकि वो हो गए अब हमें बहुत ज्यादा लूज। तो अभी फिलहाल के लिए दो चार कुर्ती और लेगिंग ले ली। गाइस रेगुलर वेयर के लिए ना हमने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत सारी जो कुर्तीज ली है, मैं कुर्तीज दिखाती हूँ, गोलू भी लगा लगा के दिखाएगी, आप देखना और बताना आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी। तो फर्स्ट है ये, आ जाएगी ये है ये, दिस वन, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है कलर, ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो एक ये है, इनमें से सबसे ज्यादा मतलब गोलू ने ये वाली पसंद करी है, बाकी सारी और इसका कपड़ा देखिएगा, ये मैंने पसंद करी है, बहुत ही मलमल। अभी मैं एक दो चीज और देख। तो गाइस दो कुर्ती और ली है, ये बहुत सुंदर लग रही है, दोनों बहुत अच्छी लग रही है। और बारे काम करते हैं, आपका घर पे बहुत सारे प्लाजोस पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, अगर हमें बाद में लेनी होंगे ना जो कभी कोई कलर मैच नहीं करेगा, लेने होंगे तो बाद में ले लेंगे। वहाँ 10 मिनट के अंदर अंदर हमने 8 कुर्तीज ली है, 8 कुर्ती के साथ हमने लेगिंग भी मैच करी है, और बस क्योंकि ना घर में पहनने के लिए कपड़े बिल्कुल है ही नहीं, और हमने बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में, आप लोग भी ले सकते हैं। मैं सारा जो है जितना भी हमने लिया है ना मैं आपको सब दिखाऊंगी कितने का लिया है। अगर आप लोगों को भी चाहिए अपने रेगुलर वेयर के लिए कुर्तियां तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। और साथ ही साथ फटाफट से हमने DNY से भी जो घर का सामान लेना था वो भी ले लिया। अब हम जा रहे हैं फटाफट मेट्रो, वहां से जो घर का राशन जो खत्म हो गया चाय पत्ती वगैरह वो लेके फटाफट पहुंचेंगे घर। तो गोलू ना गाड़ी में बैठती है ना ऐसी करती है भूख 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 भूख, पता नहीं घर से खा के नहीं आती, इसे बाहर आके इसको इतनी भूख लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। छोटा बच्चा भी होगा ना वो भी इतना खाने के लिए जिद नहीं करता जितना ये लड़की करती है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी ऐसे करेगी, अगर घर से आधे घंटे के लिए निकलेगी ना तो भी बोलेगी भूख लग रही है भूख लग रही है, चाहे घर से खा के निकली हो तब भी ऐसे करती है, ये समझ नहीं आता ये कब सुधरेगी। तो पहले ना मैं और पाल इतनी बिस्किट खाते थे पर बिल्कुल ही ना कम कर दिया बिस्किट खाने ही, तो बस अभी यहाँ से ट्रॉली ले ली है, और मेरे को लगता है शायद एक ही ट्रॉली में काम हो जाएगा। एम और एल दोनों पैंट्स ले लिए कि दोबारा आना नहीं होगा, जैद एल पे आ जाएगा और तुबा यान एम पे आ जाएंगे। सनड्रॉप का ले लिया, फॉर्चून का ले लिया, 2-3 ले लिए। दूसरी बार ऐसा हुआ है हमें फ्री सैंपल मिले बहुत सारे, ज्यादा इस बार सामान नहीं लिया, बस 6 शैम्पू लिए, 2 बॉडी वॉश लिए, साबुन लिए, 2 फेस वॉश लिए, और ये पाइल लेके आ गया चाय पत्ती, बस ये थोड़ा सा वन जो है ना हमारा वो रह गया, बाकी सारा का सारा शिफ्ट हो गया। तो पीछे ना सारी की सारी जो डिक्की है ना सब भर चुकी है, यहाँ से भी रखा जाएगा पीछे। जगह है क्या पाइल, तू और मैं आ जाएंगे क्या, चल देखो तुम्हें गोदी में बैठा लूंगी। तो गाइस 4:30 बज गए हैं, बस अभी घर जाते हैं, 5 बज जाएंगे, घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, लंच करती हूँ, बच्चों को एक बार देखती हूँ, फिर मैं निकलूंगी हॉस्पिटल के लिए। मैं और पाइल की जैद की ना आपको बताया था मुझे वो करवानी है, ड्रेसिंग चेंज करवानी है, तो बस बहुत ज्यादा जरूरी काम है, साथ ही साथ ना ड्रेसिंग के साथ एक उसकी जो दवाई है ना दिन में 2 बार देनी है उसको, वो भी खत्म हो गई, वो भी लेकर आनी। तो गाइस फाइनली घर पहुंचे, इतनी जल्दी जल्दी शॉपिंग करी ना आज पूछो मत, मतलब सब कुछ ले लिया, DNY का सामान ले लिया, मैक्स से कपड़े ले लिए, घर का राशन ले लिया, सब कुछ A to Z चीज ले ली। एक चीज रह गई, क्या रह गया, अच्छा हाँ टेबल क्लॉथ रह गया, टेबल क्लॉथ इसलिए रह गया क्योंकि ना हमें ना मिल्टन जाना है उसके लिए, और मिल्टन जाने का टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी मिल्टन। तो गाइस पहले क्या होता था जब भी मैं ब्लॉगिंग करती ना इधर उधर लोग होते थे ना मुझे बहुत शर्माती थी, पहले बोलती थी यार पहले मैं नहीं बोल रही कुछ, मैं नहीं बोल रही, पर अब थोड़ा सा मतलब कितने टाइम बाद कितने सालों बाद ना शर्म के लिए आप कभी भी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, कि देखो अच्छा लगता है मुझे ब्लॉगिंग करना, और आप लोगों को बताना क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6:30 और बस अभी निकलूं घर से, जैद को लेके जा रहे हैं मैं पायल हॉस्पिटल, पीछे जैद बैठा हुआ है पायल के साथ, और साथ ही साथ ना जैद की फाइल भी ले ली है मैंने, और जैद की एक दवाई खत्म हो गई है तो वो भी मेरे को लेनी है, और डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि 3 दिन के ना इसने कितनी बार स्टूल्स करे हैं, और उसकी कौन सी मेडिसिन रुकेगी, कोई मेडिसिन और तो नहीं है जो ऐड होनी है, मतलब सारी चीजें अपडेट करनी है, ड्रेसिंग चेंज होगी इसकी क्योंकि मैं नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी, पायल करवाएगी क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है इसकी ड्रेसिंग चेंज करवाने की। तो आज से ना 2 साल पहले जब हम लोग जीरकपुर में आए थे ना यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, बिल्कुल भी नहीं, और जब हम आने लगे ना उसके बाद ही ट्रैफिक होने लग गया, ऐसा होता है पता नहीं क्यों, हम दिल्ली रहते थे ना तो दिल्ली में ट्रैफिक लगता था हमें, अब यहाँ रहते हैं अब यहाँ पे भी ट्रैफिक लगता है, बट ये जो पुल है ना जब बन जाएगा ना मतलब इस पुल को कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे अप्रॉक्स 2 साल, क्योंकि सारा जितना भी ठेका है ना पाल ने लिया हुआ है पुल का। हाँ मैंने लिया हुआ है, इसलिए पायल को पता है प्रॉक्स 2 साल, बताओ कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही है मुझे। कुछ लोगों के पास ना दिमाग भी होता है, बोलू सारे तेरी तरह पैदल नहीं होते दिमाग के। हो गया 2 मिनट में हो जाएगी ड्रेसिंग, पता भी नहीं चलेगा मेरी बेटी को। इस वेडिंग क्यों हो रखी है इतनी ज्यादा, देखो अब बेटी बैठने छूने वाली है फिर हम चलेंगे। तो गाइस बस बहुत अच्छी विजिट रही डॉक्टर के पास, जैद बिल्कुल भी नहीं रोया, उसने अच्छे से अपनी ड्रेसिंग करवा ली, उसको अपना थोड़ी लाइट बैंडेज लग गई है, और डॉक्टर ने बोला है नेक्स्ट विजिट जब भी होगी उसकी उसके अंदर डॉक्टर ना उसकी जो स्टिचेस है पहले कट करके निकाल देंगे, और 2 दवाइयां उसको देनी है मुझे, ZND once a day और सैशे डेरेलेक once a day, बस उसके अलावा कुछ नहीं देना, सारी दवाइयां जो है बंद कर दी है। तो गाइस जो जैद की ड्रेसिंग थी ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि अगर पायल नहीं होती ना तो मैं नहीं करवा पाती, मेरा जो दिल है ना बहुत ज्यादा छोटा है, अच्छे से उसकी ड्रेसिंग हो गई है। तो बस इस ब्लॉग को ना यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।